फ्रेंड आई एम सिद्धार्थ राज, वेलकम बैक टू मदर वीडियो। मेरे से बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे, भैया जयपुर कैंपस का क्या कट ऑफ जाएगा, इसके रिगार्डिंग बता दो। आज मैं जयपुर कैंपस के सीएस रिलेटेड जितने भी ब्रांच है उसका मैं कट ऑफ बता दूंगा और कितने मार्क्स पे कितने रैंक बनेंगे उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना दिया हूं। प्लीज उस वीडियो को देख लो, एक आइडिया मिल जाएगा। इस बार हो सकता है लास्ट टाइम 105 पे अगर मानो तुम्हारा 4K बन रहा था, इस बार 105 पे तुम्हारा 3K तक बनने का चांस है, एज पर एग्जाम्पल मैं बताया हूं, क्योंकि इस बार रिविजिट करने का ऑप्शन नहीं था, इसके कारण से मतलब कम मार्क्स पे 6 रैंक बनने का चांस बनता है। चलो मैं बताता हूं कितने कितने रैंक चाहिए, और याद रखना और जो तुम्हारा नेट पे डेटा रहता है उस पे मत जाना। इस बार मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर हुए मणिपाल एग्जाम में, इसी कारण जो मैं बता रहा हूँ तुम एक्जैक्ट थोड़ा मान सकते हो, इधर उधर मतलब बोल सकते हो 50-60 रैंक का डिफरेंस हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि 300-400 रैंक का डिफरेंस होगा। तुम जो जयपुर का रिगार्डिंग बता देता हूँ कितने कितने रैंक पे कौन कौन से ब्रांच मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूँ सीएससी के ऊपर 10K के अंदर रैंक है तभी तेरे को मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। ये मत बोलना भैया वहां पे मैं इतना देखा वहां पे इतना देखा, 10K के अंदर है तब मिलेंगे वरना फिर नहीं मिलेंगे। उसके बाद बात करूँ मैं आईटी के ऊपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर 35K तक रैंक है तेरे को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करूं मैं AIML के ऊपर तो अप्रॉक्स मान सकते 14 या 15K तक है तुम्हारा तो मिल जाएगा, 15K तक तुम अगर उसके अंदर है तो हाँ सेफ है, बट AIML का अच्छा डिमांड बढ़ रहा है तो मे भी 14K तक तेरे को चांस रहे, अगर 15K तक भी तो हाँ चांस है, लास्ट राउंड तक रहोगे तो मिल जाएगा। उसके कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन के ऊपर बात करूं तुम्हारा लगभग 34K 35K तक है तेरे को मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ लास्ट राउंड तक रहोगे 35 तक मिल जाएगा, अगर बीच में निकलोगे तो बोल सकते हो 30-32K तक होता है, बट लास्ट राउंड जाते जाते 35 तक तुमको मिल जाएगा। उसके बाद बात करूं डेटा साइंस के ऊपर, डेटा साइंस 35K तक डेटा साइंस तेरे को मिल जाएगा मणिपाल जयपुर कैंपस पे। उसके इंटेलिजेंस सिस्टम के ऊपर बात करूं इसका 34-35K तक तेरे को मिल जाएगा। समझ गया हो कितने कितने मार्क्स पे कौन कौन से ब्रांच जयपुर कैंपस में मिलेंगे, और याद रखना मैं जितना बता रहा हूँ 35K 34K मिलेंगे, 36K के ऊपर नहीं जाने वाला, 34-33 रहेंगे, 35 के बाहर नहीं जाने वाला, उसके अंदर ही रहेगा तुम्हारा, याद रखना इस बात को। ऐसा क्यों भैया और नेट पे तो कहीं कुछ और दिखा रहा अलग अलग वेबसाइट पे, जो मैं बता रहा हूँ एक्यूरेट मानो, क्योंकि मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर हुए हैं। और मैं ट्राई करूंगा ना बैंगलोर कैंपस का, मेन कैंपस का, सिक्किम कैंपस का, और कॉमेट के जितने भी कॉलेज है तुम्हारे या फिर बीटसेट के कटिंग कटअप पे बता दूंगा। साथ ही साथ मैं ट्राई करूंगा रिव्यू वीडियो बना देने का, एक आइडिया मिल जाएगा, वो रियल रिव्यू रहेगा, मैं कॉलेज के स्टूडेंट को इनवाइट करके वीडियो बनाऊंगा, लास्ट टाइम भी बनाया हूं, मैं ट्राई करूंगा इस बार बना देने का। बस मैं इतना रिक्वेस्ट करता हूं, वैसे बच्चे जो मुझसे पर्सनल गाइडेंस पे जुड़ना चाहते हैं काउंसलिंग के रिगार्डिंग, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को फिल करते उससे मैक्सिमम बेनिफिट तुम्हारा होगा। अभी से लेकर जब तक तुम्हारा एडमिशन डन नहीं होता है, कैसे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ता है, सारी चीज के रिगार्डिंग डिस्कशन कर सकते हो, और कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हो, ट्राई करना कमेंट सेक्शन में पहले पूछने, कमेंट सेक्शन में पूछोगे ना और भी तुम्हारा कोई हेल्प कर दे, वहां भी हेल्प नहीं हो पा रहा है तब तुम इसे इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हो, बिल्कुल हेल्प करूंगा। बस इतना रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सपोर्ट दिखाओ जिससे कि मैं ग्रो हो सकूं, तुम्हारे अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं। होप दिस इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।